Hey everyone, welcome back to my new vlog. So today is 15th of August. I wish everyone a happy Independence Day. आज एक वीकेंड्स हॉलीडेज में जा रहा हूँ मैं बाइक राइड करके ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर अप एंड डाउन. इट्स टाइम अभी 7 बज रहे और मैं निकलता हूँ अभी. ऑलमोस्ट रेडी हो चुका हूँ. जस्ट आई विल पैक माई बैग ऑन माई बाइक एंड आई विल गो. और बहुत दिन बाद आप लोगों को मोटो व्लॉग दिख रहा होगा. सो एन्जॉय इट. ओके चलो. बैग रेडी हो चुका है. पैक कर लिया मैंने अच्छे से इसको बंजी कॉर्ड से एंड आई एम रेडी टू गो. सो गाइज, बहुत दिन बाद मोटो व्लॉगिंग पे आपको आप लोगों का स्वागत है. और आई होप आवाज़ अच्छे से आ रहा होगा क्योंकि ये सेटअप को मैं खोल दिया था पहले एंड सब कोई राइड पे निकल चुके हैं. और पता नहीं ये लोग कितना दूर तक जाएंगे क्योंकि हेलमेट नहीं है. नज़दीक ही जाएंगे लेकिन मुझे अभी 150 किलोमीटर इस बाइक पे जाना पड़ेगा एंड बाइक पे थोड़ा बहुत फ्यूल है और आगे कोई नज़दीक पेट्रोल पंप पे मैं इसको फ्यूल अप करा लूँगा. देखते हैं. लेट्स मूव. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. वेदर अच्छा है. बस एक चीज़ की दुआ है कि बारिश ना हो. मेरे पास सेटअप है, रेन कवर ववर है, लेकिन फिर भी मैं दुआ मांगता हूँ कि बारिश ना हो. बारिश होने से बहुत सारा प्लान चौपट हो जाएगा. ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर के बाद हम लोग पहुँच गए हैं कोलाघाट. और आप लोग इससे पहले बहुत बार देखे हुए हैं ये, मतलब कोलाघाट ब्रिज. ये बहुत ही फोटोजेनिक स्पॉट है जो भी मतलब वेस्ट बंगाल कोलकाता से है या फिर जो भी इधर आते हैं आप लोग जानते होंगे ये कितना फेमस जगह है कोलाघाट. ये हावड़ा डिस्ट्रिक्ट और मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है. देखो लेफ्ट में वो ट्रेन ट्रैक. सो अभी फ्यूल अप करने आ चुका हूँ मैं. पता नहीं ये कौन सा जगह है लेकिन बाइक में कुछ इंडिकेटर दिखाता ही नहीं है. बाइक पे मैं फुल टैंक करा चुका हूँ. ऑलमोस्ट 990 का फ्यूल आया है. लेकिन मैं जब मेरे होम टाउन से भरता हूँ, मतलब मेरे जो एरिया पे भरता हूँ, तो उसमें 1000 क्रॉस कर जाता है. पता नहीं पहले से मेरा फ्यूल था या फिर यहाँ पर कुछ फ्यूल का प्राइस डिफरेंस है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. यहाँ से नंदा कुमार तक तो अच्छा वाला हाईवे है, उसके बाद वन वे का रास्ता है तो मुझे बहुत कंट्रोल चलाना पड़ेगा. यहाँ से नंदा कुमार तक मैं अपना डिस्टेंस कवर करता हूँ, उसके बाद मैं मिलता हूँ. GPS की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे ही चला जाऊँगा क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था मुझे रोड्स पता है. अगर फिर भी प्रॉब्लम हुआ तो मैं GPS देख लूँगा. आप लोग नज़ारा एंजॉय करते रहो. बहुत अच्छा मतलब व्यूज़ है इधर. सो आज के सफ़र का ये सबसे पहला वाला टोल टैक्स. और पता नहीं बाइक का चार्जेस लगता है कि नहीं. हाँ सब कोई तो ईजीली जा रहा है. ओके यहाँ पर बाइक फ्री है. चलो फिर. बहुत सारे राइडर कोलकाता से जो है सब जा रहे हैं. हे गाइस, ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूं मैं और 50 किलोमीटर बाकी है. और ये जो एक स्पॉट देख रहे हो यहाँ पर सब कोई उतर के रुक कर नारियल पीता है और मैंने भी अपने लिए ले लिया एक. तो ओके सो 50 रुपीज़ का है और बाइक को भी थोड़ा बहुत रेस्ट मिल जाएगा. और बारिश का वेदर है, थोड़ा बहुत बारिश भी हो रहा है. लेट्स एंजॉय दिस. देखो खाली पेट नारियल अच्छा नहीं लगता है तो मैंने सोचा था पहले ब्रेकफास्ट कर लूँ उसके बाद नारियल पीऊँगा. लेकिन ये जो स्पॉट है ये आगे नहीं है, मतलब नारियल तो मिल जाएगा लेकिन ये स्पॉट सबको एक साथ रुक कर खाना खाते हुए. और मेरे पीछे जो देख रहे हो ये एक ही ट्रैक है जो हावड़ा से दीघा के लिए है. सिंगल लाइन है और ट्रेन से भी आ सकता था. अगर दोस्त लोग के साथ आता तो मैं ट्रेन से ही आता एंड बाइक से आ गया. बहुत मुझे नारियल का ये वाला पार्ट बहुत मस्त लगता है. आंटी रेडी कर रही है मेरे लिए. लेट्स एंजॉय. सो गाइस आई एम ऑलमोस्ट पहुंच गए अभी दीघा एंड अभी शायद 4-5 किलोमीटर ही बाकी है. और ये जो रूट है, ये जो रूट मैं लेके जा रहा हूँ ये ताजपुर शंकरपुर का रूट है जो कि न्यू दीघा तक जाता है. और ये रूट इसलिए मैंने चूज़ किया बिकॉज़ मैंने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम शॉर्ट्स पे बहुत देखा क्या दीघा का भी एक मरीन ड्राइव है जो कि आपको आगे चलते ही दिखाई देगा. एंड
अच्छा लग रहा है, आई कैन फील द ब्रीज कमिंग आउट, मुझे वो हवाएं महसूस हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं, और इतना शुक्र है कि अभी तक कोई बारिश नहीं हुआ, मैं आराम से पहुंच गया। और पहले तो होटल लेना है हमको, ओ देख सकते हो वेलकम टू साइकत सुंदरी न्यू दीघा ओल्ड दीघा। ओके सो यहाँ से आपका बीच स्टार्ट होता है, आई मीन मरीन ड्राइव। मैं आपको दिखाता हूँ, ओह लुक एट दिस, कैमरा कान जस्टिफाई, आपको दिख रहा है वो बीच। यहाँ पर शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो आप आराम से, देखो यहाँ पर सब घूमने आते हैं। वो लुक एट दिस गाइस, दिस इज द मरीन ड्राइव। फाइनली ऑलमोस्ट 1 ईयर आई एम सीइंग बीच, 1 साल के बाद देख रहा हूँ मैं ऐसे नज़ारा। और आप लोग देखिए मरीन ड्राइव कैसा लगता है आप लोगों को, कमेंट पे ज़रूर बोलिएगा। आप लोग इस रास्ते को जानते हो या फिर इस रास्ते से कभी गए हो क्या? ओए देखो 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 चपड़ी। सो गाइस अभी हम लोग हैं ओल्ड दीघा एंड मैं होटल ले रहा हूँ न्यू दीघा में, क्योंकि न्यू दीघा घूमने के लिए भी अच्छा है। आऊँगा इधर रात को, ठीक है? तो पहले निकलता हूँ मैं, ये कुछ वाह बड़िस्ता है आज। ओके आई विल ट्राई बड़िस्ता टुडे, इवनिंग को आज बड़िस्ता ट्राई करूँगा इधर आके। और ये ओल्ड दीघा है, यहाँ पर भी आप इवनिंग में आ सकते हो। और ये पुराने वाला मतलब जो होता है ना टाउन, ये पुराना वाला टाउन है, अभी न्यू टाउन आगे है जिसको हम लोग न्यू दीघा कहते हैं। पता नहीं यहाँ पर रूम सस्ता मिलेगा कि नहीं, देखते हैं, एक बार पूछ लेता हूँ मैं। ये जो है मेरे राइट साइड पे, ये है दीघा रेलवे स्टेशन, और यहाँ से शायद और 1 किलोमीटर न्यू दीघा का जो होटल है मेरा। और आप लोग ट्रेन पे भी आ सकते हो ईज़िली, बहुत कन्वीनियंट है, बहुत कम खर्चों में आप आ सकते हो, बस से भी आ सकते हो, लेकिन आई प्रेफर बाइक बिकॉज मेरे पास बाइक था और थोड़ा चलाने का मन था। जब भी मैं सैड रहता हूँ या फिर उदास रहता हूँ तब मैं बाइक लेके निकलता हूँ, आराम से बहुत शांति मिलती है। चलो यहाँ से मैं लेता हूँ लेफ्ट, क्योंकि अच्छा वाला होटल तो इस साइड ही है। चलो फिर ओके। और ये है आपका न्यू दीघा बस स्टैंड मेरे लेफ्ट में जो है, आपको कोलकाता मुर्शिदाबाद वर्धमान इजीली हर जगह का बस मिल जाएगा आपको। सो मैं पहुंच गया, अब मुझे होटल ढूंढना पड़ेगा, अच्छा वाला होटल, मतलब एवरेज बजट वाला, ऐसा नहीं क्या कुछ भी ले लूँ, अच्छा होटल होना चाहिए। सो गाइस एक अच्छा सा रूम मिल गया मुझे बजट में। और पता नहीं यहाँ का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, सिंगल बंदे को रूम नहीं देता है, क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब सुसाइड कर लेते आके या फिर कुछ भी झमेला वेला करते इसलिए। तो मेरा एक लोकल थाना पे, लोकल पुलिस स्टेशन पे एक रिश्तेदार था, मतलब मेरे पहचान वाले, तो उनको कॉल किया, तो वो दीघा में ही पोस्टेड है, तो उसके बाद उनके प्रेफरेंस से मुझे ये रूम मिला, नहीं तो रूम मिलता ही नहीं था। ठीक है तो मैं आपको रूम टूर देता हूँ, चलो फिर देख लो 1000 रुपीज़ में रूम कैसा मिलता है। तो ये एक नॉर्मल रूम, और यहाँ पर मैंने अपना हेलमेट पानी और ये सब रख दिया, कि एक सोफ़ा टाइप, और बाथरूम कुछ ऐसा है सिंपल डिसेंट। कल तो मैं निकल जाऊँगा 12 बजे, तो ठीक है मेरे लिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। मैं निकला था घर से 8:30 बजे और यहाँ पर पहुँचा मैं 12 बजे, तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स के लगभग लग गया था। अभी आधा घंटा रुकेंगे इधर रूम पे, फ्रेश होंगे, उसके बाद मैं निकलूँगा बीच के साइड। मैं नहाने का तो कोई प्लान नहीं है, बाहर ही लंच करूँगा मैं, आप लोग देखते रहना ठीक है। सो गाइस जिस पुलिस ऑफिसर ने मुझे होटल दिलवाया था
उसी के साथ मैं आज लंच किया, उन्होंने इनवाइट किया था तो मैं कुछ शूट वूट नहीं कर पाया। अभी आया एक शॉर्ट्स लेने क्योंकि घर से मैं शॉर्ट लाया नहीं, और अभी होटल जाके चेंज करके मैं आऊँगा अभी बीच पे। सो गाइस द टाइम इज़ ऑलमोस्ट 6 o'clock इन द इवनिंग एंड अभी मैं जा रहा हूँ बीच के साइड कुछ शॉपिंग वॉपिंग करने और थोड़ा बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम बीच के सामने मैं स्पेंड करता हूँ ना इवनिंग को, ये मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आया हूँ जैसे इवनिंग में शांत बैठ सकूँ, थोड़ा अपने आप को टाइम दे सकूँ। और हेलमेट ले चुका हूँ, यहाँ से मैं जाऊँगा ओल्ड दीघा, और ओल्ड दीघा में बरिस्ता है, विल ट्राई बरिस्ता एंड देखते हैं खाना क्या खा सकता हूँ मैं और क्या कुछ कर सकता हूँ। चलो ये गाइस, कल मॉर्निंग को मैं जब जाऊँगा सनसेट मतलब सनराइज़ देखने उदयपुर, सो तब मैं आप लोगों को दिखाऊँगा बीच का, यहाँ का बीच कैसा होता है। आज तो मैं फ़ोन लेके गया नहीं क्योंकि थोड़ा बहुत नहा लिया था और हाई टाइड भी चल रहा था, इसलिए मैंने रिक्स लेके फ़ोन लेके नहीं है। मैं कल मॉर्निंग आपको ज़रूर दिखाऊंगा, आप सिर्फ ये वाला व्लॉग एंजॉय करते रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही बहुत सारा बाइक राइड या फिर शॉर्ट ट्रिप होते रहेगा मेरे चैनल पे, पता नहीं क्यों ये मतलब होटल का लिफ्ट काम नहीं कर रहा, मुझे पैदल आना पड़ा थर्ड फ्लोर से एकदम ग्राउंड फ्लोर। लेट्स गो मैन, लेट्स स्पेंड सम टाइम आउटसाइड। ये कुछ नज़ारा है आपका ओल्ड दीघा का, देख सकते हो, और मैं अभी अंदर जा रहा हूँ बरिस्ता कॉफ़ी लेने, अभी बैठ के ऊपर का नज़ारा एंजॉय करेंगे एंड इवनिंग को मैं आऊँगा इधर। लेट्स गो। लुक एट द व्यू फ्रॉम हियर, इट फील्स सो रिफ्रेशिंग मैन। बीच साइड ये कॉफ़ी हाउस से मतलब बरिस्टा से ये व्यू आता है, और थोड़ा इवनिंग होने दो यार, सब कुछ इधर कैसा करता है देखो। आ चुका है मेरा कोल्ड कॉफ़ी एंड ये जो देख पा रहे हो ये ब्लूबेरी मफिन्स है एंड ये 149 का कॉम्बो है, आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वाला कॉम्बो है। लेट्स एन्जॉय दिस व्यू एंड लेट्स हैव अ सिप ऑन दिस। तो बरिस्ता का कॉफ़ी मतलब स्टारबक्स के कॉफ़ी से बहुत बढ़िया है क्योंकि स्टारबक्स का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है। लेट मी ऐड सम शुगर। मेरे दोस्त लोग आते तो मज़ा होता, बहुत ज़्यादा मज़ा होता, लेकिन दे ऑल आर बिजी राइट नाउ, तो मैं भी क्या करूँ यार, अपना माइंड सही नहीं था। लास्ट फ्यू डेज़ मेरे साथ एक इंसिडेंट हो चुका है, तो इसके लिए बहुत मैं सैड हूँ और बहुत मतलब गिल्टी फील कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं निकल चुका हूँ बाहर घूमने। ऐसे ऐसे ट्रिप तो आते रहेंगे बहुत। लेट मी ट्राई दिस, अब सही है। रश है भाई 15 अगस्त। नाइट लाइफ ऑफ दीघा, यहाँ पर बहुत वैरायटी है फिश का, ऑक्टोपस भी मिलेगा जो लोग खाते हो। मुझे तो ये मतलब प्रॉन चाहिए। मच्छी का हालत देखो यार, फ्राइड फिश। सो गाइस इट्स ऑलमोस्ट 12 o'clock एंड मैं होटल आ चुका हूँ अपना रूम पे,
और बाहर मैंने बिरयानी खाया था क्योंकि मतलब वही दाल चावल दोपहर को तो खा ही रहा था वो, मतलब मेरे जो पुलिस ऑफिसर थे उसके साथ। और आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल अर्ली इन द मॉर्निंग मैं जा रहा हूँ उदयपुर, तालसारी बोल के एक जगह है जो कि उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर है, तो उसमें मैं सनराइज़ देखने जाऊँगा। उसके बाद दोपहर को चेकआउट करके थोड़ा घूम के मैं निकलूँगा घर के लिए और शाम तक पहुँच जाऊँगा। और सबसे पहले शेव करवाना है और बाल कटवाना है, क्या मतलब इरीटेशन लग रहा है भाई। और मैं बाहर निकलता हूँ ना मेरे मुंह पे पिंपल्स आ जाते हैं बहुत ज़्यादा, घर पे रहता हूँ तो ठीक है लेकिन बाहर निकलने का टाइम ही सब पिंपल विंपल हो जाता है। ठीक है, सी यू सून, सी यू टुमारो, गुड नाइट, टेक केयर, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम।